नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होप सो कि आपको मेरा ब्लॉग आज का बहुत अच्छा लगने वाला है, लेकिन उससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जयपुर वालों को भी टैग कर दीजिएगा। उनको भी तो पता ना कि जयपुर में कितनी गर्मी है। जयपुर वालों को तो पता ही होगा ना जयपुर में कितनी गर्मी है। हाँ, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जैसे ही मैं कोचिंग के लिए निकली हूँ तो बारिश आना स्टार्ट हो चुकी है। मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, चेंज हो गया, अच्छा लगा। धूप नहीं आ रही बट बारिश आ चुकी है, तो देखते हैं हम कोचिंग तक कैसे पहुँचते हैं। ये जलपरी आज फिर बारिश में भीगने वाली है। बारिश आ गई है और ये जलपरी फिर से बारिश में भीगने वाली है। एक अलग ही दृश्य देखने को मिलेगा जब ये बारिश में भीगेगी। देख, चिड़िया भी बोल रही मत कर। चश्मे वालों को ये प्रॉब्लम पता होती है कि जब बारिश आए और चश्मे में पानी जाता है तो कैसा लगता है। भाई मुझे तो नहीं पता, तू ही बता। चश्मा नहीं है ना इसलिए। जिन लोगों के चश्मा लगा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बता कितनी दिक्कतें होती है। बहुत आती है। किसको किसको अगर तो मैं फिर भी नहीं सोचूं। मैं किसी और के साथ ये मेरे घर पे कभी भी आ जाती हूँ, मैं इसको चाय पिला देती हूँ, फिर भी इसको बाहर चाय पीनी है। एक 10 रुपए की चाय में तो ऐसे कर। हाँ कर ली हूँ। नहीं मुझे नहीं आती, तुझे आती है क्या? सही बता। जब खुद की आवाज मोटी होती है ना तो दूसरों की आवाजों में ऐसी मिठास मिलती है। इतनी बकवास कर कहाँ जाएगी तू? देख 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 वो बोल रहे। हाँ यार। अरे वाह, ओ चित्रा तेरा भाई कितना। देख ये देख देख, मिल गया तेरे लिए ये देख। अरे वो बंदर है, उसमें बंदर बैठा है पीछे। मतलब बंदर बैठा है, बंदर है उस पे था। तू भी तो बंदर ही है। वो तो तेरा भाई लग रहा था तेरे, लेकिन मुझे तो तेरा भाई लग रहा था, लेकिन अभी पता ना तो नहीं। मोटा बंदर वाली क्लिप डालना। मैं तो डालूंगी तो सबको पता है, लेकिन तू है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। किधर एक मोटा बंदर है। यहीं रुक जा, मैं जाकर आ जाऊँ। नहीं मैं तो चलूंगी, तू अकेली क्यों जाएगी? तू अकेली ना बिजी है क्या? मैं जाके आ जाऊँ। बाय। बाय। सड़कों पर छोड़ के चले जाते हैं ना दोस्तों को। वाह देखो कितना मस्त मौसम हो रहा है। और एक मतलब इतने अच्छे मौसम में भी इसके साथ जाना पड़ रहा है, लालत है मुझ पर तो बिल्कुल। घर की बात है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतना प्यारा बता नहीं सकती, लेकिन इतने प्यारे मौसम में भी मुझे इसके साथ जाना पड़ रहा है। इतनी प्यारी, इतने प्यारे मौसम में भी अगर इसके साथ जाना पड़े, लालत है मुझ पर, मेरी जिंदगी पर। भगवान के लिए कभी तो प्यारी हो जा। इतना अच्छा मौसम है, कहीं घूमती फिरती, लेकिन ये मेरे साथ है, किस्मत मेरी। मेरे को देखी हो ना क्या बोली कि तू इसके साथ कैसे जा सकती है? तुझे पर्सनली बोला था उन्होंने? तुझे सुनाई दिया होगा? नहीं मुझे तो नहीं दिया। तुझे मेरी तारीफ सुनाई नहीं देती? नहीं देती। आशु इसका भाई है वो। हाँ बता रहे। इसका भाई है वो छोटा, लेकिन इससे ज्यादा समझदार है। पता है एक टी शर्ट थी जो अभी आगे वाली क्लिप में आशु को पहनते हुए देखा होगा आपने, ये पता है इससे पहले वो टी शर्ट इसने पहन रखी थी कल परसों के टाइम पे, और आज उस आशु ने पहन रखी है। और एक टी शर्ट थी जो कल दीदी ने पहन रखी थी इसकी ने, जो इसने 4 दिन पहले पहन रखी थी। और मेरी बहुत सारी टी शर्ट देखोगे आप, ग्रीन कलर का टी शर्ट है जो ये मोस्टली पहन के रखती है मेरी। रोना जाएगा, बोल वो लोग मेरे कपड़े पहनते ना कि मैं उनके पहनती हूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा था और फिर बीच में आ गई ये धूप। 2 मिनट पहले इतना प्यारा मौसम हो रहा था और अब अचानक से धूप आ चुकी है, वो भी इसकी वजह से आई है। यही बोलती बोलती आ रही थी बारिश क्यों आ रही, गीली हो जाऊंगी।
इतनी प्यारी लगती होगी तो मैं तेरे को ये बता देता हूँ। ये पता इतनी ज्यादा बकवास कर दी इसलिए मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ, कम से कम कम बकवास करेगी। तो कैमरा खोल दे तो मेरी शक्ल क्यों दिखा देती है, समझ नहीं आता। बकवास कम करे तुझे आज पता लग गया कि तू लगती है चीप। मैं आपकी फिलहाल की बात कर रही हूँ, घूमने नहीं आया पर। ये है मैसीडोर जिसमें ये स्टार्टिंग से जाना चाहती है लेकिन अभी तक नहीं जा पा रही है। तो तेरे में हिम्मत ना तो मुझे यहाँ पार्टी देके दिखा, चल हिम्मत है तो तेरे। उस दिन लेकर तो गई थी तुझे मैं इसमें, उस दिन लेकर तो गई थी मैं। कब लेके गई तू इसमें? भूल गई, ये भूल जाती, ये भूल जाती है इसलिए मैं इसको ले जाना पसंद नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, इसलिए तुझे ले जाना पसंद नहीं करती हूँ। वीडियो के लिए मैंने सोचा नहीं था। अच्छा उस दिन सिमरन मैन वगैरह नहीं गए थे? पर मैं वीडियो डाल दूंगी वो वाला, हाँ मैसीडोर वाला वो वीडियो डाल दूंगी मैं, वो वीडियो डाल दूंगी मैं। कोई लेकर गया, लेकर गई थी ना, अरे लेकर तो गई थी ना, तू लेके गई थी तो फिर उमा मैम लेकर गई थी। मैं कह रही हूँ तू लेके चल, नहीं लेकर जाऊँ पागल पे पागल के रास्ता रोक के खड़ा है वो पहले ही। लेकर आना ठीक है कि मैं उसको सरप्राइज देने चाह रही हूँ। देखो मैंने उसके लिए केक खरीदा है। मैं उसको सरप्राइज देती हूँ। बोल बोल, मैं इस पे कुछ नहीं बोल। ये है चश्मे वालों के साथ प्रॉब्लम, थोड़ी बारिश आई नहीं है, साफ सफाई करना स्टार्ट कर देते दिवाली की। कैसा लगा दिवाली की सफाई करके? तो मैं तुझे सड़ा हुआ घर लग रही हूँ। कितना वो शायरी सुना जल्दी। हाँ सुना, रोड पे सुनाऊंगी। अभी सुना, अभी सुना, उधर रोड पे चल जा नीचे, अब सुना। काफी वो फील नहीं आ रही अभी। पैर मत पड़ मेरे, पैर मत पड़ चित्रा, चित्रा चित्रा मेरे पैर मत पड़। मुझे पता है तू मेरी इज्जत करती है लेकिन ऐसा पैर तो मत पड़ कम से कम। चित्रा तुझे मेरा आशीर्वाद, ऐसे ये पैर पड़ने की कहाँ जरूरत आ रही थी तुझे। जा रही हूँ कोचिंग को छोड़ कर। आप लोगों को ये सुनाने वाली है एक शायरी। हाँ सुना चल सुनाती। हाँ। मौसम है बड़ा सुहाना। वाह 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 वाह। मौसम है बड़ा सुहाना। वाह 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 वाह। हाँ हमें तुम्हें है कुछ बताना। अच्छा मेरा खाली है खजाना। चलो नहीं, मेरा खाली है खजाना। अब इसी बात पे ताली तो बजाना। इतनी गंदी शायरी थी ना। मौसम है सुहाना, हमें तुम्हें है कुछ बताना, मेरा खाली है खजाना। इसी बात पे ताली तो बजाते ना। अच्छी है, पता मैंने कितनी मेहनत से बनाई थी। बहुत मेहनत, मेहनत की कदर करनी चाहिए, टैलेंट की कदर होती है। पूरा नहीं क्या कर रही हो? तो दोस्तों आज का व्लॉग करते ही यहीं पर एंड। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो। बाय। ठीक है बाय बोल। ठीक है कर दूंगी। बाय बोल। बाय।